आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का मोदक। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ बीना। आप देख रहे हैं सिंपल टू इनक्रेडिबल। आज गणेश चतुर्थी में हम बेसन का मोदक बनाने जा रहे हैं। 1.5 कप हम बेसन लिए हैं और यहाँ पर ही आधा कप घी डाले हैं, देसी घी 1/2 कप डाले हैं। अब इसमें बेसन को डाल देते हैं। अब इसको अच्छा से इसमें भूनते हैं। ये 1/2 कप को भी डाल देते हैं। देखिए गाइस कैसे हम अच्छा से भून रहे हैं। घी जो है पूरा बेसन को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब अच्छा से भून जाएगा, जब घी थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करना शुरू कर देगा, उस स्टेज में हम फिर चीनी उनी सब डालेंगे। इसको अच्छा से भूनना है हमें, बेसन का जो कच्चापन है वो हट जाए, एक अच्छा सा खुशबू आए बेसन का भुना हुआ। तेल छोड़ना शुरू कर दिया। देखिए गाइस मेरा करछी में घी जो है वो रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हम इलायची को कूट लिए दरदरा, उसको डाल देते हैं। अच्छा से इसको मिलाते हैं। घी रिलीज करने तक हम इसको वैसे ही चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे में लग जाएगा। इसमें 1/2 कप नारियल का बुरादा भी डाल देते हैं, इसको भी थोड़ा भून लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है बेसन से। अब भूनना ख़त्म करते हैं। अब इसमें डाल देते हैं, अब इसमें 1 कप चीनी डाल देते हैं। और उसमें अभी हम 1.5 कप दूध डाल देते हैं। एक कप डाले हैं और 1/2 कप डाल देते हैं। ये नॉर्मल दूध है जो कि हम अच्छा से उबाल के रखे थे रूम टेम्परेचर में। अब इसको अच्छा से मिला लेते हैं। डेढ़ कप बेसन के लिए 1.5 कप दूध लिए हैं। ये रेशियो आप याद रखिएगा और उसी ही बनाइएगा घर पे। देखिए गाइस इसको दबा दबा के हमें चलाना है, नहीं तो लम्स गिर जाएंगे। अच्छा से इसको मिला के एक डो का तरह बना लेंगे। देखिए काफ़ी ठीक हो चुकी है। इसी तरह से आपको पूरा मिलाना होगा, छोड़ने से नीचे बैठ जाएगा।
अब ये डो की तरह बन जाएगा। जब कढ़ाई छोड़ने लगे तो सोच लीजिएगा बन चुका है। कढ़ाई छोड़ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, देखिए ये पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा। ये देखिए कढ़ाई कैसी छोड़ रहा है। देखिए गाइस, ये मेरा डो की तरह बन चुका है। अब इसमें हम एक टेबल चम्मच और देसी घी डाल देते हैं ऊपर से। इसको भी अच्छा से मिला लेंगे। अभी देखिए कढ़ाई कैसी छोड़ने लग गया है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ज़्यादा इसको और नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। देखिए गाइस, हम इसको एक बो में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। ये बना कि नहीं आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसको ऐसे करके अगर गोला करेंगे, अगर हो जाएगा। इसका जो डो बनाए हैं वो तैयार है। ऐसे तो कढ़ाई छोड़ने से भी आपका ये वाला बन गया है। काफ़ी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने से हम मोदक बना के आपको दिखाएंगे। देखिए गाइस, हम मोल्ड एक ले लिए हैं मोदक का। इसमें थोड़ा घी को ग्रेसिंग कर लेते हैं। हम एक मोल्ड को ले लिए हैं, इसमें थोड़ा सा घी हम ग्रेसिंग कर देते हैं। इसको ऐसे बंद कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नींबू आकार में मोदक का डो लेके उसको अंदर में डाल पीलिंग कर देते हैं। हम इसमें अंदर में डालने के लिए किशमिश लिए हैं। किशमिश को डाल देते हैं, फिर थोड़ा इसमें मिला देते हैं, अच्छा से दबा देते हैं, फिर इसको खोलते हैं। देखिए गाइस, मोदक बन के तैयार हो गया है। और एक बना के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, और एक बना के दिखाते हैं। ऐसे आप दबा दबा के इसको डालिएगा, चारों तरफ दबा दीजिएगा। अब इसमें किशमिश हम रखे हैं उसको डाल देंगे। और फीलिंग्स में कुछ भी ले सकते हैं। हम इसमें नारियल डाले थे, इसीलिए हम नारियल का बुरादा नहीं बनाए हैं, इसलिए ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। ऐसे दबा देंगे, इसको बंद कर देंगे, फिर इसको खोलते हैं। ये देखिए, अब इसको नीचे से ऐसे उठाते हैं और एक बन के तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे बना देते हैं। देखिए गाइस, मोदक बन चुका है मेरा। सारे मोदक बना चुके हैं। अच्छा लगे तो गणेश चतुर्थी में आप बनाइए मोदक। हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खूब एंजॉय कीजिए।